हेलो दोस्तों, इजी टेक चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रेडमी नोट 3 या किसी भी Xiaomi फ़ोन में मल्टी विंडो फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रूट एक्सेस के। तो आइए सीधा चलते हैं वीडियो पर। मल्टी विंडो फीचर को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है फ्लोटिंग ऐप्स। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए फ्लोटिंग ऐप्स, और आपको दो ऐप्स दिख जाएंगी। एक है फ्री वर्जन, एक है पेड वर्जन। मैं आपको फ्री वर्जन इंस्टॉल करके और उसको यूज़ करना दिखाऊंगा, और आप पेड वर्जन भी गूगल पे सर्च करके APK आप वहाँ से डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये फ्री वाला वर्जन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, और आप मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं जो कि आपको मल्टी विंडो में दिखेंगे जब मैं ऐप ओपन करूँगा फ्लोटिंग की। और नीचे जो ये डल से आइकन्स दिख रहे हैं, ये आप इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको पेड वर्जन यूज़ करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक फ्लोटिंग आइकन दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पे। अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइकन, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, फ्लोटिंग्स ऐप जो है उस पर क्लिक करना है, और फिर परमिशन, अदर परमिशंस, और डिस्प्ले पॉपअप विंडो पे आपको अनेबल कर देना है अगर आपका डिसेबल हुआ होगा। अनेबल करने के बाद आपको ये आइकन दिख जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जो भी आपको यूज़ करना है एक्टिव विंडो में, तो ये ऑप्शन आ जाएंगे आपको। और जैसे ही मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो ये एक नई विंडो में यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर मेन्यू है, मेन्यू पे आप बहुत सारे ऑप्शन है, गो बैक, गो फॉरवर्ड, रीलोड, मिनिमल बॉर्डर, मैक्सिमाइज, टॉप बॉटम। टॉप बॉटम से आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं विंडो को। मैं टॉप पर क्लिक करूँगा तो ये टॉप पर सेट हो गई। अब मैं आपको एक और ओपन करके दिखा देता हूँ विंडो। मैं गूगल प्लस ओपन कर रहा हूँ और मैं इसको सेट करूँगा बॉटम पे। ये देखिए, अब मैं यूट्यूब ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और नीचे गूगल ओपन हो रहा है। इसमें और भी ऑप्शन है मेन्यू में, अगर आप जाएंगे तो इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं विंडो की। आप चाहे तो मिनिमल बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऊपर का लुक अगर अच्छा नहीं लग रहा हो। इस पर भी मैं मिनिमल बॉर्डर कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं एक और विंडो ओपन करूँगा, गेम कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने तीन विंडोज़ ओपन कर ली, तो तीनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ एक साथ। अगर आप चाहें तो अपना URL कोई भी, फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया या गूगल, वो भी आप इस विंडो में खोल सकते हैं। वो कैसे करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ सबको। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, आपको एप्लीकेशन बहुत सारी ये ऑप्शन सारे दिख रहे होंगे जब आपने आइकन पे क्लिक किया होगा। इसमें मेन्यू में जाइए आप और माई ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं क्रिएट URL ऐप। URL आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको नाम दे सकते हैं और जो भी URL आपको ओपन करना है, जैसे मैं यहाँ पर अब करूँगा गूगल, और यहाँ पर गूगल इसको मैं नाम दे देता हूँ। तो ये यहाँ पे सेट हो गया है। अब दोबारा से मैं अब अगर आइकन पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ये गूगल ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको गूगल दिखाई दे रहा है। अब मैं गूगल को ओपन करूँगा और इसको टॉप पे सेट कर दूँगा। आपको गूगल ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने गूगल URL डाला था वो ओपन हो गया। ऐसे ही आप कोई भी URL ओपन कर सकते हैं और कई दूसरी एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं इन मल्टी विंडो में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।